Now we are going to start second part of CRPC, and no need to study the first part. आज हम नया पार्ट शुरू करेंगे और नए पार्ट का मतलब है कि यदि सीआरपीसी के दो हिस्से हैं, सीआरपीसी फर्स्ट एंड सीआरपीसी सेकंड, उसको थोड़ा सा आज मेरे से समझने की कोशिश कीजिएगा। यदि आपने सीआरपीसी फर्स्ट नहीं पढ़ी है तो कोई जरूरत नहीं है सेकंड में कि सेकंड को पढ़ा जाए, और सेकंड पढ़ रखी है तो फर्स्ट का कोई कनेक्टिविटी नहीं है, ठीक है ना। तो दिस इज द लेक्चर वन, दिस इज द लेक्चर वन, ये लेक्चर फर्स्ट है, तो आपको वैसे ही समझना चाहिए। सबसे पहले तो व्हाट इज सीआरपीसी, सीआरपीसी क्या है, ठीक है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड क्या है। इस क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में देखो, कानून को दो तरह से डिवाइड किया हुआ है। एक तो सबस्टेंटिव लॉज है, उनमें राइट कि मान लो मैंने और आपने एक कॉन्ट्रैक्ट किया और जिसमें मैंने शर्तों का उल्लंघन किया, ब्रीच कर, वकील के पास गए, वकील ने नोटिस दिया, ठीक है ना, और फिर वकील ने तो नोटिस के जवाब में भी कुछ नहीं हुआ, तो वकील ने क्या किया, एक देखा कि कौन से ज्यूरिसडिक्शन में ये दावा लाया जा सकता है, एंड ही रोट ए प्लेंट और पेश कर दिया। उसके पास अपोजिट पार्टी के पास समन पहुंचे और समन के आधार पर अपोजिट पार्टी केम टू द कोर्ट एंड सबमिटेड हिज रिप्लाई। तो ये जो कुछ भी आपने समझा कि वकील के पास जाना, वकील ने नोटिस देना, रिप्लाई करना, ये सब करना, ये कहलाता है प्रोसीजर, ये कहलाता है प्रोसीजर, प्रक्रिया या तरीका। ऐसे ही मान लो किसी ने एक के थप्पड़ लगा दिया, मारपीट कर दी, उसकी चेन छिना ली, तो मारपीट भी की, चेन भी जबरदस्ती छिना ली, इसका मतलब दे कमिटेड रॉबरी, तो रॉबरी कर दी तो क्या करेंगे। कोई कानून जानता है या नहीं जानता, इतना सब जानते हैं कि थाने में जाके उसकी इंफॉर्मेशन दे, थाने वालों के पास इंफॉर्मेशन दे दी। जैसे ही इंफॉर्मेशन गिवन टू द पुलिस स्टेशन, देन पुलिस स्टेशन, द इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन विल अपॉइंट ए पर्सन इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, देन ही विल स्टार्ट टू कलेक्ट द एविडेंसेस वेदर दिस टाइप ऑफ ऑफेंस वॉज कमिटेड और नॉट, क्या इस तरह का कोई अपराध घटित हुआ था या नहीं हुआ था, वो आईओ उसका काम शुरू करता है। वो इस स्थान पर जाएगा जहां इस तरह का ऑफेंस कमिट हुआ था, लोगों से पूछेगा, दिस इज कॉल्ड इन्वेस्टिगेशन, ही हैज स्टार्टेड टू कलेक्ट द एविडेंसेस, ही हैज स्टार्टेड टू कलेक्ट द एविडेंसेस, और जब एविडेंस सारे इकट्ठे हो गए उसके बाद वो अपने इंचार्ज के पास जाएगा और इंचार्ज को बताएगा, साहब ये आपने मुझे काम सौंपा था और ये काम मैंने पूरा कर दिया है, दिस इज एन ऑफेंडर, वी हैव
arrested this person. Now he is in police station. और आप बता दीजिए अब आगे क्या करना है. तो इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन शैल रिकमेंड हिम टू इनिशिएट अदर प्रोसीडिंग्स. आगे की कार्रवाइयां शुरू करने के लिए उसे मार्क कर देना. तो आगे की कार्रवाइयां क्या है कि जो भी आपने एविडेंसेस किए तो हर थाना एक प्रोसिक्यूशन ऑफिसर के अंडर में है. असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर होता है उसके सामने के साथ ये ऑफेंस हुआ, इस कोर्ट का ऑफेंस है, और उसको सारे को ले जाकर जो सॉल्यूशन था जिसमें ये बताया गया था कि दीज आर द एविडेंसेस. और एपीपी विल गो टू द कोर्ट और कोर्ट से कहेगा कि सर ये हमने इस आदमी को पकड़ा, इसने लूट की, और ये डॉक्यूमेंट है, ये एविडेंस है, इनके आधार पर हम ये सब साबित करना चाहते हैं कि ही हैज कमिटेड रॉबरी, और फिर ट्रायल शुरू हो जाएगा. तो दिस इज व्हाट, दिस इज द प्रोसीजर. क्या है ये प्रोसीजर? अब लूट क्या है? दिस इज अ टाइप ऑफ एक्शन. जैसे किसी ने थप्पड़ मारा, दिस इज अ टाइप ऑफ एन एक्शन. एक कार्य है ये. इस कार्य को जिसने किया, दिस इज पनिशेबल ऑफेंस, दंडनीय अपराध है. क्या है? दंडनीय अपराध है. दैट पर्सन शैल बी पनिश्ड बाय द कोर्ट. उस व्यक्ति को दंडित किया जाएगा. ठीक है, तो कितना दंड मिलेगा, क्या ऑफेंस है, ये आईपीसी में दिया हुआ है. तो आईपीसी इज सबस्टेंटिव लॉ, सीआरपीसी इज प्रोसीजर लॉ. उसमें तरीका है, उसमें लायबिलिटी है, रेस्पॉन्सिबिलिटी है, पनिशमेंट है. तो लायबिलिटी कैसे किसी को दी जाएगी, कैसे पनिशमेंट दिया जाएगा, ये सब्सटेंटिव लॉ में लिखा हुआ है. और किसी को कब पनिशमेंट किया जाएगा, कैसे किया जाएगा, पनिश किया जाएगा, ये कहां लिखा हुआ है? सीआरपीसी में लिखा हुआ. तो एक तरह से अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ द एक्ट, प्रकृति के अनुसार दो भागों में विभक्त है, एक प्रोसीजर लॉ और एक सबस्टेंस. नाउ वी आर स्टडिंग हियर द प्रोसीजर लॉ. अब ये प्रोसीजर लॉ हमारे पास जो प्रोसीजर लॉ है, ये भी कानून तभी बना जब आईपीसी बनी थी. आईपीसी कब बनी? 1860. ये भी तभी बनी थी, लेकिन बाद में 1973 में इसमें भारी चेंज किए गए, बड़े चेंज किए गए. उससे पहले भी हुए थे. और क्यों किए गए थे, क्यों बनी थी? एक समय आया था जब 1857 का रिवोल्ट हुआ, 1857 की क्रांति हुई. उस क्रांति में अंग्रेजों की स्थिति ये हो गई थी कि अब उन्हें जाना पड़ेगा, देश छोड़ना पड़ेगा. तो उनका शासन कैसे और लंबे समय तक इस देश में रह सके, इसलिए उन्होंने अपने वाले कानूनों का की शुरुआत की, जो कानून उनके देश में चलते थे.
उसकी वजह से 1858 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, 1858 का भारत सरकार अधिनियम आया, और उस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में इन कानूनों को बनाने की बात थी कि ये कानून बनाए जाए। और सेकंड लॉ कमीशन, कौन सा लॉ कमीशन, सेकंड लॉ कमीशन ने इन सब के ड्राफ्ट बनाए और ड्राफ्ट बनाकर भारत में ये कानून लागू किए, भारत में ये कानून लागू हुए। तो ये सब सेकंड लॉ कमीशन से बने, बाद में इसमें चेंज हुए और अभी आप देख रहे हैं कि नए बिल आए हैं, जिन बिलों में आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस में दोबारा से और चेंज हो रहे हैं। फिर इनके नाम, अभी जो आईपीसी 1860 है उसका 2023 हो जाएगा, इनके तीनों के नाम चेंज भी हुए हैं, नाम भी चेंज हो जाएंगे, ठीक है अभी। लेकिन ध्यान रखना इनमें चेंज कुछ नहीं है, चेंज नहीं है, लगभग यही है, सेक्शन ऊपर नीचे हुए हैं, उससे कोई असर पड़ेगा नहीं, चेंज विशेष नहीं है। तो ये जो सीआरपीसी का एरिया है हमारे पास, इसके एक तरह से दो हिस्से हैं, और दो हिस्से इसलिए है पढ़ने की सुविधा के अनुसार इसके दो हिस्से। एक हिस्सा तो है सेक्शन 3 से लेकर 153 तक का, जिसमें 11 चैप्टर्स हैं, और एक हिस्सा है 154 से 484 तक का। अभी आपके एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं वो इसमें से सबसे ज्यादा आते हैं, इसमें से कम आते हैं, इस वाले पार्ट से कम क्वेश्चन आते हैं। सीआरपीसी में ऐसा कोई डिवीजन नहीं है जैसा यहां करके दिखाया है, फिर आपने क्यों किया, जब सीआरपीसी में इस तरह का कोई डिवीजन नहीं है आप क्यों करते हो। मैंने ही नेचर के अनुसार, सीआरपीसी के नेचर के अनुसार इसे दो हिस्सों में बांट दिया है। पहले इससे बहुत कम क्वेश्चन आते थे, लेकिन अभी क्वेश्चन आने लगे हैं, इससे हमेशा आते, तो अधिकतर टीचर्स क्या करते रहे कि इससे ही पढ़ाते थे, मैं भी इसी से पढ़ाता रहा, और इसको बाद में कुछ कुछ एरिया पढ़ा देते थे। हमने ऐसा नहीं किया, हमने एक तरीका अपनाया कि चलो ठीक है ये पूरा कंप्लीट हमने कर दिया, अब हम इसको कंप्लीट करने वाले हैं। तो आप किसी को कभी भी पढ़ लो, कोई असर नहीं पड़ता, आप इसको पहले चाहो तो इसको पढ़ लो, उसको पहले चाहो तो उसको पढ़ लो, इसकी दोनों की कोई सीक्वेंस नहीं है कि नहीं आपको ये वाला नहीं आता तो ये नहीं आएगा, कोई ताल्लुक नहीं है इसका, ठीक है। तो जैसा मैं अभी थोड़ी देर पहले बता रहा था उसी को थोड़ा और समझने की कोशिश करिएगा, जैसे ए बी सी डी ई ये पांच लोग होते हैं और इन पांचों लोगों ने मिलकर क्या की, रॉबरी की, और जब पांच या पांच से अधिक लोग मिलकर रॉबरी करते हैं तो दिस इज कॉल्ड डकैती, क्या डकैती या डकैती कहलाती है। अब डकैती इन पांच ने मिलकर की, एक्स के घर में की, एक्स ने क्या किया, एक एफआईआर दर्ज कराई, पुलिस को सूचना दी जिससे के डकैत पकड़े जाएं, डकैतों ने जो कुछ उसके घर से लूटा उसको रिकवर किया जाए, डकैतों को दंडित किया जाए। इसलिए क्या किया, एक एफआईआर दर्ज कराई। जब ये एफआईआर दर्ज हो गई, पुलिस ने दर्ज कर लिया, पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली, तो इसमें जो अभी मैंने बताया कि एक व्यक्ति को, पुलिस के अधिकारी को, इन
इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर अपॉइंट किया गया और डकैती किन्हीं प्रोमिनेंट लोगों के कर ली। तो जो इंचार्ज था, इंचार्ज खुद ही आईओ बन गया उस मामले में और इन्वेस्टिगेशन करने लगा। व्हाट इज इन्वेस्टिगेशन, एक नया शब्द आ गया। इन्वेस्टिगेशन का मतलब है कलेक्शन ऑफ एविडेंसेस। क्या है? कलेक्शन ऑफ एविडेंसेस, एविडेंस को इकट्ठा करना। मान लो एविडेंस ना मिले तो जिस व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है उसके संबंध में कोर्ट से कहेगा साहब कोई एविडेंस ही नहीं मिल रहा है, केस में डकैती में शामिल था या नहीं था। तो कोर्ट विल से ठीक है, इसको उन्मोचित कर देते हैं। उन्मोचित मतलब डिस्चार्ज कर देते हैं। क्या कर देते हैं? डिस्चार्ज। जो हमने चार्ज लगाया है इस पर कि ही हैज कमिटेड डकैती, उसे मुक्त कर दो। तो ये क्या कर रहा था? एविडेंस इकट्ठा। मान लो एविडेंस मिल जाते हैं तो क्या करेगा? एविडेंस मिल जाते हैं तो ये करेगा कि जो इसका एपीओ या एपीपी, एक ही बात है, अभी इसका नया नाम ये हो गया, पहले इसी पद का नाम होता था एपीपी, असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर, अब हो गया एपीओ, असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर, ठीक है। और पहले था एपीपी, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, ये नाम में अभी चेंज आया है। तो उसके पास पहुंचा, उसने क्या किया? मजिस्ट्रेट के सामने, किसके सामने? मजिस्ट्रेट के सामने पहुंचा कि सब ये एविडेंस है और इनसे हम कलेक्ट करना चाहते हैं और ये आदमी है जिसने, इन लोगों ने डकैती की है, ये कैमरे के फुटेज हैं, फुटेज में ये लोग आ रहे हैं, ये जो भी देना था वो सब मजिस्ट्रेट को दे दिया। मजिस्ट्रेट ने कहा कि बात डकैती की है। किसकी है? डकैती की। तो उसने अपने साथ ही बैठने वाले ऑर्डरली को कहा कि जाओ सीआरपीसी लेके आओ। क्या कहा? सीआरपीसी की किताब लाओ। क्या हम इसको, मामले को अपनी कोर्ट में सुन सकते हैं या नहीं सुन सकते? डकैती है तो सीआरपीसी में कहां देखेंगे? सीआरपीसी में आपने देखो, सीआरपीसी लाए हो ना, सीआरपीसी लाए हो तो देखते चलो, इसलिए बोल रहा हूं, बाकी तो मैं बताते ही जाता। तो पहले शेड्यूल को उठाया, यू डोंट हैव सीआरपीसी, इसके पास बैठे या नीचे से लिया रखी है वहां, नीचे जाओ, नीचे बंटी सर से ले 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 ले। तो उन्होंने कहा अपने ऑर्डरली को, ऑर्डरली समझते हैं, अर्दली जैसे बोलते हैं, जब आप मजिस्ट्रेट बन जाएंगे तो आपको भी मिलेंगे, जैसा आदेश करे वैसे ही काम करते हैं, वो आदेश की पालना करते तत्काल। तो वो ले आया और देखना शुरू किया। तो कहां देखेगा? सीआरपीसी में पीछे पीछे देखो, एक शेड्यूल दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? शेड्यूल दिया हुआ, शेड्यूल फर्स्ट दिया है, शेड्यूल फर्स्ट है ना। तो आईपीसी के जितने भी सेक्शन हैं, आईपीसी के जितने भी सेक्शन हैं, उन सारे सेक्शंस में किसी व्यक्ति ने जो अपराध किया, उस अपराध की सुनवाई कौन सी कोर्ट करेगी? इन विच कोर्ट दिस मैटर शैल बी ट्राइड, ये दिया हुआ है। तो फर्स्ट शेड्यूल उसने देखना शुरू किया। तो फर्स्ट रूल में कौन सा सेक्शन देखोगे? डकैती के लिए कौन सा सेक्शन देखोगे?
395 देखो, अब देखो 395 देख रहे होगे सीआरपीसी का, तो इसमें छह कॉलम बने हुए हैं। कितने कॉलम बने हुए हैं? सबसे पहले तो सेक्शन का नाम लिखा हुआ है, कौन सा नंबर का सेक्शन, मतलब सेक्शन एक्शन पनिशमेंट। तो दूसरे में परिभाषा का दिया हुआ है कि कौन सा अपराध किया है, तो उसमें लिखा है डकैती। फिर आगे देखेंगे क्या पनिशमेंट है, कितना पनिशमेंट है? है 10 साल की सजा है। फिर और आगे चलो तो एक कॉलम और दिया हुआ होगा, है उसमें यह देखा गया है कि मामला कॉग्निजेबल है या, तो क्या लिखा हुआ है डकैती में, कॉग्निजेबल क्या लिखा हुआ है? ये अभी मैंने आपको बताया नहीं कॉग्निजेबल क्या होता है, इसी को हिंदी में बोलते हैं संज्ञेय, संज्ञेय कॉग्निजेबल दिया हुआ है, ठीक है। इसके आगे आप पढ़ोगे तो वहां लिखा हुआ है कि कौन सी कोर्ट में ट्रायल होगा, ट्रायल वाली कोर्ट का नाम लिखा हुआ है, कौन सी कोर्ट दे रखी है, वहां दिया हुआ है कोर्ट ऑफ। तो जैसे ही वो लेके पहुंचा मजिस्ट्रेट के पास, तो मजिस्ट्रेट ने देख लिया, एपीपी से कहा कि एपीपी महोदय मैं तो ये केस सुन नहीं सकता, इसकी ट्रायल तो हमारे सेशन जज साहब के होगी। तो सेशन जज को कितने लोग समझते हैं, देखो जब यू विल बी सिलेक्टेड तो आप लगोगे जेएम जुडिशियल मजिस्ट्रेट, क्या लगोगे जेएम, ये मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास होता है। जेएम से आपका प्रमोशन हो जाएगा एसीजेएम, एसीजेएम से आपका प्रमोशन हो जाएगा सीजेएम, से आपका प्रमोशन हो जाएगा एडिशनल सेशन जज एएसजे, और इनका जो हेड है दैट इज कॉल्ड सेशन जज। इसी सेशन जज को सेशन जज कह लो या डीजे कह लो, एक ही बात है। डीजे का मतलब है सिविल मामलों में, सेशन जज का मतलब है क्रिमिनल मामलों में। तो ये क्या करेगा, उठा के फाइल को तत्काल मजिस्ट्रेट ने क्या किया, सेशन जज के यहां पे सेशन जज साहब के पास फाइल पहुंचा दी। जब सेशन जज साहब के पास फाइल पहुंच गई तो सेशन जज साहब के पास सारी फाइलें जितने भी मजिस्ट्रेट थे उनके पास भी जो जो कॉग्निजेबल मामले आए और जो जो सीआरपीसी के शेड्यूल को देखने के बाद जितने भी मामले आए सबने क्या कर दिया, सब फाइलों को कहां पहुंचा दिया, सेशन जज की कोर्ट में। अब सेशन जज की कोर्ट में पहुंचा देंगे तो सेशन जज के पास क्या हो जाएगा, इतने सारे केस उसके पास ही इकट्ठे हो गए, बहुत सारे केसेस। तो इस सेशन जज के साथ कई एडिशनल सेशन जज लगे हुए हैं, जैसे एडिशनल सेशन जज फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जो भी बहुत सारे लगे हुए हैं। तो एक मामला इसने क्या किया, चलो भाई ये मामला एडिशनल सेशन जज फर्स्ट को दे दो, इसको सेकंड को दे दो, थर्ड को दे दो, नंबर दे पांचवें को दे दो, दसवें को दे दो, जो भी सेशन जज को, और कुछ खुद के लिए भी रख लिए खुद सुनवाई के लिए, ठीक है। जब ये पहुंच गया तो हर कोर्ट में क्या है कि एक पीपी पब्लिक प्रोसिक्यूटर, पब्लिक प्रोसिक्यूटर मतलब सरकार की तरफ से पैरवी करने वाला एडवोकेट, एपीपी या एपीओ सरकार की तरफ से पैरवी करने वाला एडवोकेट। अब वो ऐसे एडवोकेट है जो सरकार ने रख रखे हैं, जिन्हें तनख्वाह हर महीने मिलती है। तो पीपी और एपीपी, तो पीपी साहब को सूचना की कि भाई इस कोर्ट में ये केस आया है, तो पीपी साहब को सारी फाइल की एक एक कॉपी
पीपी के पास भी चली गई, किसके पास चली गई? अब इस आदमी ने, जिसने जो डकैत थे पांचों, इन्होंने भी अपना वकील रख लिया, या इन्होंने अपने अलग-अलग वकील भी रख सकते हैं। तो इनके वकील से जज साहब ने पूछा, जब ये कोर्ट में आया, अच्छा ये बताओ तुम्हें जितने भी FIR या जो चार्ज लगना है या जो भी डॉक्यूमेंट है या जो मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ या जो भी हुए जिन जिन लोगों के, उन सब की कॉपी मिल गई क्या? वो कहा नहीं मिली सर। तो बोले कोई बात नहीं, चलो हम सारी कॉपी आपको दिलवा देते। तो एक एक कॉपी तो इसने ले ली और एक एक कॉपी इनका जो एडवोकेट था डकैतों का उसने ले ली, दोनों के पास कॉपी पहुंच गई। अब पीपी ने कहा कि साहब देखो हमारे पास इतने सारे एविडेंस हैं, इन एविडेंसों के आधार पर हम ये साबित कर देंगे इन डाकुओं ने हमारे यहाँ डकैती डाली, ये किया और मारपीट की, ये जो भी अपराध किए उन अपराधों के बारे में हम साबित करना चाहते। तो चूंकि पहला मौका इसको मिलेगा, किसने दिया? सेशन जज ने। हाँ पीपी साहब अपनी बात रखो। तो ही हैज स्टार्टेड हिज सबमिशन, अपनी बात रखना प्रारंभ कर दिया है। जैसे ही अपनी बात रखना प्रारंभ कर दिया तो जज साहब कहेंगे इन इन डॉक्यूमेंट्स के माध्यम से साबित करना चाहते हैं, ये हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट। अब तो पीपी से जब ये कहा तो पहला मौका पीपी को मिला। तो वकील साहब बताओ, वकील साहब क्या कहेंगे? नहीं नहीं जी, हमारा जो आदमी है पांच के पांचों वो पुलिस ने झूठे फंसाए हुए हैं और कोई डकैती वकैती उन्होंने नहीं डाली, बहुत बढ़िया आदमी है, ये सब फैब्रिकेटेड मामला है, ये वो कहेंगे। तो बोले ठीक है, आप अपने पांचों आदमियों को बुलाओ। तो इन डाकुओं को सेशन जज की कोर्ट में पेश किया गया और सेशन जज उनसे पूछेगा, अच्छा ये बताओ आप अपना जुर्म स्वीकार करते हो या ट्रायल चाहते हो? तो सामान्य तौर पर आदमी जुर्म स्वीकार करने का मतलब है जुर्म स्वीकार करने, कह दिया हाँ जी हम तो जुर्म स्वीकार करते हैं, तब तो वो उन्हें पनिश कर देगा, जेल भेज देगा, सजा कर देगा। तो क्या कहेंगे ये सामान्य तौर कि नहीं जी हम तो ट्रायल चाहेंगे। क्या कहेंगे? ट्रायल चाहेंगे। तो जज कहेगा बोले ठीक है हम ट्रायल कर लो। तो बोले सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों को चार्ज सुनाता हूं। तो सेशन जज अपना चार्ज सुनाएगा कि मैं सेशन जज फला, अपना नाम कोर्ट नंबर, आपके ऊपर ये आरोप लगाता हूं कि इतने दिन इतने तारीख को आपने फलां के यहां पर डकैती डाली जो इंडियन पेनल कोड में डिफाइंड है और पनिशेबल है और मेरे कॉग्निजेंस में है, एंड आई एम इनिशिएटिंग ट्रायल। नीचे साइन करते फिर भी पूछेगा आप बताओ आपको इन आरोपों के बारे में कुछ कहना है कि नहीं जी अभी आरोप आपने लगाए स्वीकार है। वो ये भी कह सकते हैं जी आरोप हमें स्वीकार नहीं है। तो फिर वहां पर चार्ज के ऊपर बहस होगी, किसके ऊपर? चार्ज के ऊपर बहस होगी। ठीक है, तो आरोप सुना दिए। उन्होंने कहा जी ऐसा है ये बात तो चलो ठीक है, आपका चार्ज वाला आरोप तो ठीक, ये जो चार्ज आपने लगाया है हम स्वीकार करते हैं, स्वीकार करते हैं। तो चार्ज लग गया। तो फिर जज साहब कहेंगे कि पीपी साहब तुम्हारे पास कितने लोग हैं एविडेंस देने वाले, उनकी लिस्ट दो। क्या कहो? लिस्ट दो। तो विटनेस लिस्ट क्या दी जाएगी? विटनेस लिस्ट। तो जो विटनेस लिस्ट होती है उसको
पीडब्ल्यूज के नाम से जानी जाती है, प्रोसिक्यूशन विटनेस, अभियोजन साक्षी, कौन से साक्षी, तो जो प्रोसिक्यूशन विटनेस, अब मान लो 10 विटनेस है तो प्रोसिक्यूशन विटनेस नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 जो भी जितने भी हैं वो सारों की लिस्ट ले ली जाएगी और पूछेंगे कि अच्छा आपके डॉक्यूमेंट क्या है, किसी डॉक्यूमेंट भी है, वहां कैमरे लग रहे थे, कैमरों में फोटो आ गए हैं, फोटो की पिक्स हैं, ये सारी चीजें हैं, तो वो कि और आप पे क्या है, तो जो भी हम आर्टिकल हैं तो वो आर्टिकल भी ले लिए जाएंगे, तो आर्टिकल को ARTI, तो आर्टिकल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 जितने भी हो ये लिस्ट पेश कर दी जाएगी, फिर नेक्स्ट डेट हो जाएगी। उस डेट में क्या होगा, जैसे आप कहेंगे भाई आप अपने विटनेस नंबर 1 को बुला लो, किसको बुला लो, 1 को, थोड़ा सा आपको जब आप जो इंग्लिश मीडियम के भी हैं, कोर्ट में सेशन कोर्ट तक का काम हिंदी में होगा, इसमें होगा वहां काम आपको हिंदी में करना होगा, ठीक है आपका मीडियम इंग्लिश है तो आप इंग्लिश पढ़िए, लेकिन धीमे धीमे आप ये सीख जाएंगे और वहां काम आपको सारा हिंदी में करना, पूरी जिंदगी हिंदी में काम करना, हिंदी में क्यों करना है, इंग्लिश में क्यों नहीं करना, भाई इन डकैतों को अंग्रेजी आती है क्या, नहीं आती ना, फैसला इनके संबंध में होना है, इस वकील को अंग्रेजी आती हो, पीपी को अंग्रेजी आती हो, जज को अंग्रेजी आती हो, और इन्हें पता ही नहीं चले क्या बात कर रहे हैं आपस में, फैसला किनके बारे में होना है, इनके बारे में, अब ये तो बिल्कुल ही गलत बात हो जाएगी ना, वकील अंग्रेजी में बोलता रहा, डकैत खड़े खड़े सुनते रहे यार क्या बोल रहा है, जज भी सुनता रहा, पीपी भी अंग्रेजी में सुनता रहा, बोलता रहा, और थोड़ी देर बाद पुलिस वाले आए, चलो जेल, बोले क्यों, सजा हो गई आजीवन कारावास, बोले पता ही नहीं चला तो हुआ क्या था, तो बड़ी मूर्खता होगी ना, इसीलिए कोर्ट में सारे काम हिंदी में होते हैं, जो लोग जिनके लिए वो केस चल रहा है उनकी समझ में आनी चाहिए ना हो क्या रहा है उनको, क्योंकि लॉ कोई बहुत टेक्निकल चीज नहीं है, एक टाइप का कॉमन सेंस है, उन्हें भी सबको समझ में आता है, ऐसी टेक्निकल चीज नहीं है, तो जिस भाषा में लोग बोलते हैं, कन्नड़ में बोलते हैं तो कन्नड़ में होगा, मराठी में बोलते हैं तो मराठी में, गुजराती में तो गुजराती में, पंजाबी में तो पंजाबी में, तो जिस स्टेट में जाओगे वहां की भाषा क्यों सुननी होती है, तो कई बार स्टूडेंट कहते हैं सब कितने खराब हैं, हमें गुजराती पढ़नी पड़ रही है, हमें मराठी, अरे तुम्हारे को नौकरी देने के लिए थोड़ी है ये, कोर्ट तो न्याय करने के लिए है, ठीक है तुम एक अच्छे स्टूडेंट हो तुम भी चले जाओ तुम करो न्याय, तुम्हें नौकरी देने के लिए थोड़ी कोर्ट बनी हुई है, कोर्ट तो लोगों को न्याय देने के लिए। हाँ, राजस्थान में हाई कोर्ट में दोनों लैंग्वेज हैं, हिंदी और इंग्लिश, आप वहां देखोगे तो मैक्सिमम हिंदी ही चल रही होती है राजस्थान हाई कोर्ट में, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड, इन सारे स्टेट्स में यही स्थिति है, दोनों लैंग्वेज कर रखी है, सुप्रीम कोर्ट में इंग्लिश चलती है, और वैसे तो ये विडंबना नहीं है कि जिस आदमी का केस लड़ा जा रहा है अंग्रेजी में वकील बोल रहा है, अंग्रेजी में जज बोल रहा है, और जिसका केस चल रहा है बेचारे को पता ही नहीं क्या हो रहा है, बाद में बताता है वकील हार गए, बोले तुमने क्या कहा था जज को, बोले मैंने ये बोला था, अरे मैं तो तेरे को मना किया था ये तो बोलना ही नहीं था, और बोले हिंदी में बोलता तो तेरे को मैं मना कर देता, जज साहब से भी कहता नहीं नहीं ये गलत बोल रहा है वकील साहब, मैं जो बता रहा हूँ वो सही है, क्लाइंट कह सकता था, तो ये तो महा बेवकूफी है, बल्कि कोड होना चाहिए उसमें कि आप किस लैंग्वेज में अपना मामला तय कराना चाहते हैं, भाई तुम मामले तो लोगों के तय कर रहे हो ना, अपने थोड़ी तय कर रहे हो, जब मामले लोगों के तय कर रहे हो तो तुम अपनी क्यों चलाते हो, और रही बात तुम्हें अंग्रेजी नहीं आती तो ये तुम्हारी कमी, तुम्हें हिंदी नहीं आती है तो वो उस जज की कमी है, अंग्रेजी सीख के जज होशियार नहीं हो जाता, कोई सुप्रीम कोर्ट का जज जिसे हिंदी नहीं आती तो ऐसे जज को बनाने की जरूरत क्या है, वो लोगों के लिए न्याय करने के लिए है, वो कितना इंटेलिजेंट है, किस चीज का इंटेलिजेंट है, कोई इंटेलिजेंट नहीं है, अंग्रेजी बोलने वाला आदमी इंटेलिजेंट होगा जरूरी नहीं है, इंग्लैंड में गधा चराने वाले भी अंग्रेजी बोल, लैंग्वेज है, कम्युनिकेशन है,
जैसे पशु पक्षियों का भी एक अपने तरीके का कम्युनिकेशन। ये जो प्रक्रिया मैं अभी आपको समझा रहा हूँ ये सुप्रीम कोर्ट में नहीं होती है, ये हाई कोर्ट में भी नहीं होती है। हाई कोर्ट के लिए जरूर है, एक व्यवस्था है कि कभी हाई कोर्ट को ट्रायल करना हो तो कर सकता है और यही वाला ट्रायल करेगा जो सेशन जज के होता है, पर हाई कोर्ट में भी कोई ट्रायल नहीं होती है। कानून के बारे में बात होती है तो इस तरह की लिबर्टी इसलिए दे रखी है उसमें, और मैं तो कहता हूँ वो भी नहीं होनी चाहिए। ऐसे अधिकारी होशियार नहीं होते जिन्हें लैंग्वेज दूसरी लैंग्वेज नहीं आती। देश में ये जो जिन जिन लोगों के आप देख रहे हो चारों तरफ फोटो लगे हुए हैं, ये महान लोग हैं देश के, बड़ी उपलब्धियां हासिल की, ये सब लोग ऐसे रहे, एक आध को छोड़ दिया जाए कि जिन्हें 12-12, 14-14 लैंग्वेज पर कमांड थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 12-14 लैंग्वेज जानते थे, जिसे एक दो ही लैंग्वेज आती है तो उसकी जरूरत क्या है, उसको दूरी रखना चाहिए। अब क्या होगा कि इन डकैतों को की तरफ से वकील लड़ रहा है केस, तो डकैतों की तरफ से वकील अपना पक्ष रखेगा। जो अपना पक्ष रखेगा तो ये भी एक लिस्ट देगा किनकी, डिफेंस विटनेसेस की, किनकी, DW की, तो DW1, DW2, DW3, DW4 जितने भी होंगे उतने रखे जाएंगे। तो ये अपने वाले विटनेस की लिस्ट देगा जज को और फिर उन्हीं सीक्वेंस में उनको बुलाएगा, फिर इनसे क्रॉस एग्जामिनेशन PP करेगा और जो कुछ भी हो गया सारा इकट्ठा, और वो अपने हर केस में अपने छोटे 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 नोट्स बनाता गया जज। नोट्स बनाने के बाद लास्ट में दोनों वकील और पीपी बहस करेंगे, क्या करेंगे, बहस करेंगे। फिर पीपी को पहला मौका, पीपी कहेगा साहब ये दरिंदे हैं, डकैती बड़ा जुर्म है, इनको कठोर से कठोर सजा दी जाए, और इसलिए दी जाए कि PW1 ने ये कहा, PW2 ने कहा, PW3 ने, PW4 ने, और इनके डिफेंस विटनेस ये साबित करने में असफल रहे हैं कि इन्होंने डकैती नहीं की है, अपना पक्ष रख दिया। उसके बाद एडवोकेट को मौका मिलेगा, एडवोकेट कहेगा साहब इन्होंने कोई डकैती नहीं डाली, ये तो पांचों के पांचों बारात में थे, वहां के फुटेज हैं, ये लोग पहले से दुश्मनी रखते हैं इसलिए इनके विरुद्ध कर रहे हैं, झूठा फंसाया जा रहा है, बहुत ही शानदार लोग हैं, कभी कोई अपराध नहीं किया, पहली बार ऐसा हो रहा है, ये अपनी बहस करके, और इसने ये इसके कंट्राडिक्टरी बयान है, ये इसके हैं, और डिफेंस विटनेस नंबर पे को इसने ये कहा, इसने ये कहा, ये कहा, तो सारी बात उसमें रख दी जाएंगी। जज दोनों की तरफ से अपने नोट्स बना लेगा और जज फिर लगेगा, एक बात करेगा, एक ही चीज तय करेगा, दोषी या दोष मुक्त। उसे लगता है कि नहीं जी ऐसा है, वकील साहब ये दोषी हैं, क्या कह दिया, कन्विक्टेड तो कर दिया, अब सजा कितनी होगी वो अलग देखी जाएगी, क्या कहा कि सिर्फ दोषी हैं, क्या कहा, दोषी, कितनी सजा मिलेगी ये नहीं कहा, और हम परसों की डेट लगा देते हैं, परसों फिर सुनवाई करेंगे, इन्हें सजा कितनी देनी चाहिए। फिर पनिशमेंट के पॉइंट पर, किसके पॉइंट पर, पनिशमेंट के पॉइंट पर डिस्कशन होगा, फिर एक बहस और होगी कितना सजा दी जाए, तो ये कहेगा भाई दोषी तो हो गए, अब तो बस सजा कम से कम करा लिया, ये भी फिर ये सजा कम से कम कराने के लिए कहेगा, सजा हो जाएगी तो सजा के बाद फिर जैसे ही सजा हो गई, सजा होने के बाद चालानी गार्ड आ जाएंगे, तो भी वो कहेगा साहब एप्लीकेशन देगा कि सब जमानत करवा लेंगे, अपील के लिए टाइम दे दो, तब तक इन्हें छोड़ दीजिए, चाहे तो वो छोड़ भी सकता है उसी समय, और यदि उसने छोड़ दिया तो जमानत पर छोड़ देगा और आगे अपील का टाइम दे देगा, और उसे लगा कि नहीं नहीं छोड़ना है,
जेल भेज देगा। जेल भेज देंगे तो फिर जो सेशन जज का निर्णय आया उसकी क्या होगी, क्या होगी अपील में, तो अपील जब होगी तो नीचे हाई कोर्ट में अपील होगी, हाई कोर्ट में जाके क्या कहेंगे, देखो जी ये नीचे के जो जज साहब थे ना उन्हें उसने मामले को सही तरह से नहीं सुना, ये गलतियां कर दी, ये कर दी। फिर ये नीचे के किसी, इनको किसी को नहीं बुलाया जाएगा, एक बार इनकी तरफ से जो अपील करने वाला है वो वकील अपनी बात रख देगा, दूसरी तरफ से वहां भी पीपी बैठे हैं, एक फाइल की कॉपी उस पर चली जाएगी, सरकार की तरफ से पैरवी करने वाले पीपी वहां पर भी है, हाई कोर्ट में भी पब्लिक प्रोसिक्यूटर, वो अपनी बात रखेंगे। और पता लगा कि डकैत तो कोई और थे, ये तो शादी में से आ रहे थे, गलत पकड़ में आ गए, तो हाई कोर्ट ने कहा कि तो गलत ही पकड़ में आ गए, सबको दोष मुक्त कर दिया। अब हाई कोर्ट में दोष मुक्त हो गए तो इनकी फाइल प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट में जाएगी, बोले सोचेंगे क्या करें, वहां फिर जो लॉ ऑफिसर है जो जेएलओ का एग्जाम देते हैं उस डिपार्टमेंट में जाएगी, वहां पूछेंगे कि क्या करें, अपील करें या नहीं, हाई कोर्ट ने तो इन्हें बरी कर दिया, वो अपनी बात कहेगा, उन्हें कहा अपील कर दो, तो फिर सुप्रीम कोर्ट में अपील तक जाएगी, फिर सुप्रीम कोर्ट जो भी डिसाइड करेगा। आपको कुछ समझ में आई बात है ना, मैंने क्या बताया है, मैंने अभी सीआरपीसी में से किसी सेक्शन का कोई जिक्र नहीं किया, मैंने आपको ऐसे बताने की कोशिश की है मानो कि आप एक बिल्कुल ब्लैंक व्यक्ति हैं, आप लॉ के ना भी होते तो क्या असर पड़ता, उतना ही समझ में आता जितना आपके समझ में आ रहा है, और आप लॉ के भी हैं तो आप कौन सा बहुत ज्यादा पढ़ के आए हैं, कौन सी बहुत बढ़िया क्लास करके आए, किसी सब पढ़े आए, और बढ़िया क्लास करके भी आए हों तो कॉलेजेस के लेक्चर्स और उनका अपना एक लेवल है, वो कैसे लेवल से पढ़ाएंगे, और ये जुडिशरी का लेवल है, यहाँ तो पहले मजिस्ट्रेट बनना है तो मजिस्ट्रेट, जो मजिस्ट्रेट है ना आज लगा हुआ उससे कई कम से कम दो गुना होशियार पहले सिलेक्शन से पहले चाहिए, वो तो भूल भाल गया, वो तो भूल भाल गया, जितना जरूरत है उतना काम चल रहा है, आपको उससे दो गुना ज्यादा होशियार होना चाहिए, जो सेलेक्ट होने वाला जो स्टूडेंट है वो ज्यादा होशियार होता है 5 साल वाले से, क्यों, वो तो सेलेक्ट होने के बाद ट्रेनिंग व्रेनिंग होने के बाद सारे बच्चे ये सोचते हैं अरे अब ये पढ़ते ही रहेंगे पूरी जिंदगी, थोड़ा एंजॉय भी करें, कोई अब कंपटीशन तो पास करना नहीं, लेकिन भूलने की प्रक्रिया क्या होती रहती है, चलती रहती है, तो जो सीआरपीसी आईपीसी एविडेंस सीपीसी जो भी पढ़े थे वो सब भूल गया है, लेकिन हाईकोर्ट चाहता है भूले नहीं, फिर 3 महीने में एक छोटा सा एग्जाम करा लेती है उनका, आप उसमें पेपर दे देती है, आप देख देख के लिख के भेज दो और फिर डिस्कशन कर लेती है जिससे कि भूले नहीं, नहीं तो पता लगा ब्लैंक हो जाएंगे थोड़े दिन में, पढ़ते रहोगे तो कंटिन्यूटी है, तो 3-4 महीने में या 6 महीने में एक बार होता है वो, और अच्छी प्रक्रिया है, अच्छे क्वेश्चन बनाते हैं, और वहाँ डिस्ट्रिक्ट जज और एक हाई कोर्ट जज बैठता है, सारे उस हर एक को अपने अपने क्वेश्चन का आंसर बताना होता है, और क्वेश्चन का पेपर है, ये क्वेश्चन है और इसमें ये मैंने आंसर लिखा है, ऐसे ऐसे इस तरह डिलीवर होता है, जिससे कि उनकी भूलने की प्रक्रिया थोड़ी धीमी हो जाए, जिससे वो पढ़ाई भी करते रहें, क्योंकि ये काम जो आप चाहते हैं चुनना चाहते हैं, पढ़ाई तो इसमें पूरी जिंदगी करनी होती है, कोर्ट में हो जाते हैं तो भी आपको धीमे धीमे पढ़ते रहना है, बहुत सारा 90% 80% तो याद होता है, फिर बाकी कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमेशा देखनी पड़ती हैं। अब देखो इसमें जो आपने अभी पढ़ा, जो आपने एक मोटा मोटी चीजें देखी कि कैसे कोर्ट में काम होता है, कैसे मामला जाता है, अब इनकी चीजों को एक एक को अलग अलग करें, जैसे हम सिर्फ इंफॉर्मेशन टू द पुलिस, जो चैप्टर 12 है उसका नाम ही है इंफॉर्मेशन टू द पुलिस एंड पावर ऑफ द पुलिस टू कलेक्ट द एविडेंसेस, तो पुलिस को सूचना
पुलिस को सूचना, और सूचना के बाद पुलिस को सूचना, अब सूचना दे दी किसकी, ऑफेंस की, उसके बाद एविडेंस का कलेक्शन करना। तो जो चैप्टर 12 है, अभी तो आप बहुत आगे तक की सारा ट्रायल व्रायल सब पढ़ लिया, अब यहां जैसे एक चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो उस चैप्टर में क्या क्या करता है अधिकारी, जैसे एफआईआर दर्ज कराने गए, क्या दर्ज कराने गए, एफआईआर। तो एफआईआर दर्ज कराने जाते हैं, तो पहली बात तो यह है कि एफआईआर दर्ज कौन से मामले की होती है। तो पहली बात है कि मामला कॉग्निजेबल है या नहीं है, कैसा मामला है, कैसा, तो ये कॉग्निजेबल या संज्ञेय। तो पहले तो पुलिस वाले क्या देखेंगे कि मामला संज्ञेय है या नहीं। तो कोई मामला संज्ञेय है या नहीं है ये कैसे पता लगेगा, दो तरह के मामले होते हैं, एक कॉग्निजेबल और एक नॉन कॉग्निजेबल। तो कॉग्निजेबल का मतलब क्या होता है और नॉन कॉग्निजेबल का मतलब क्या होता है, इस सीआरपीसी के एक सेक्शन है सेक्शन 2, कौन सा सेक्शन 2, और उस सेक्शन में जो भी शब्द यहां आ रहे हैं सीआरपीसी में, जिन जिन शब्दों का प्रयोग हो रहा है उन शब्दों के मीनिंग दिए हुए हैं, उसका अर्थ क्या है, टाइम दिए हुए हैं सेक्शन 2 में मीनिंग दिए हुए। अब जैसे कॉग्निजेबल कह लो या संज्ञेय कह लो, है क्या भाई ये, क्या भला है, क्योंकि सामान्य भाषा में ये शब्द नहीं चलता, ये तो कानूनी भाषा का है, तो इसका मीनिंग दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, कौन से सेक्शन में, 2C में। अब आप 2C देखो, डेयर एक्ट में 2C देखो क्या लिख रहा है, है? पढ़ो क्या लिखा हुआ सोनू, अब देखो इसने कहा कि संज्ञेय उसे कहते हैं कि एक तो जो फर्स्ट शेड्यूल है, फर्स्ट शेड्यूल में दिया हुआ हो, फर्स्ट शेड्यूल को खोल के देखो, देखो 6 कॉलम दिए हुए हैं ना, तो कॉलम नंबर 4 वाले कॉलम को देखो, फोर्थ कॉलम में दे रखा है कि कोई मामला संज्ञेय है या नहीं है। ये कौन से आईपीसी के सेक्शन के, हर सेक्शन को, हर सेक्शन क्या है, एक ऑफेंस है, ठीक है। तो उस जैसे अभी आपने डकैती देखा 395 देख रहे थे, तो उसको 395 में देखो क्या लिखा हुआ, संज्ञेय या असंज्ञेय, संज्ञेय लिखा हुआ है फर्स्ट रूल के कॉलम 4 में, क्या लिखा हुआ है। तो जब आप एफआईआर दर्ज कराने जाओगे तो पुलिस वाला क्या कहेगा कि डकैती की एफआईआर है सर, किसकी एफआईआर है, तो सबसे पहले वो भी सीआरपीसी खोल के देख लेगा, क्या सीआरपीसी में क्या खोलेगा, शेड्यूल फर्स्ट को देखेगा, उस शेड्यूल को खोला, देखा संज्ञेय है, चलो जी आपकी एफआईआर दर्ज हो जाएगी, असंज्ञेय होता तो नहीं होती, तो किसी दूसरे सेक्शन में होती, तो सेक्शन 154, कौन सा सेक्शन 154 ऑफ सीआरपीसी, तो इसमें क्या है, संज्ञेय मामलों की इतला,